नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2022 का मैच नंबर 16 खेला जाएगा 8 अप्रैल को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले के लिए ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के आईपीएल रिकॉर्ड्स क्या हैं। वहीं पर इस मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए। वहीं पर इस मुकाबले में ब्रेबॉन स्टेडियम पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस मुकाबले के लिए मुंबई की वेदर रिपोर्ट क्या है और इस मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप आईपीएल मैचेस की एक्यूरेसी के साथ टॉस, मैच और सेशन की प्रेडिक्शन पाना चाहते हैं तो आप एक बार विराट भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैंने इनका काम पर्सनली चेक किया है, काफ़ी ज़्यादा सटीक इनके प्रेडिक्शन होते हैं। तो आपको भी अगर एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन चाहिए तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के मैच नंबर 16 के लिए मुंबई की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मुकाबले के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जहां पर मुकाबले के दौरान मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। और अगर टेम्परेचर्स की बात की जाए तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर यानी कि इवनिंग के टाइम जब ये मुकाबला होगा तब 27 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। और ये भी फोरकास्ट है कि आपको मुकाबले के दौरान काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस देखने को मिल सकती है, यानी कि प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा टफ रहने वाला है। लेकिन आपको यह मुकाबला बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के मैच नंबर 16 के लिए ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो अभी तक इस मैदान पर 14 आईपीएल मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 7 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यानी कि चेजिंग साइड ने भी 7 मैचेस ही जीते हैं। तो आप इन रिकॉर्ड से क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो मामला है वो बराबरी का नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जो रीसेंट आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो आईपीएल 2022 के अभी तक 3 मैचेस इस मैदान पर खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 1 मुकाबला जीता है, जबकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैचेस जीते हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो 189 रन रहा है। तो दोस्तों, ये स्टैट्स आपको क्लियर कर देते हैं कि इस मैदान पर चेज करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है और बैटिंग के लिए कंडीशंस ब्रेबॉन स्टेडियम की पिच पर काफी ज्यादा बेहतरीन रहती हैं। अभी तक जितने भी मैचेस आईपीएल 2022 के खेले गए हैं, हर बार जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है उसने काफी बड़ा स्कोर बनाया है, और इस मुकाबले में भी आप एक अच्छा खासा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको इस मैच में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात कर लें सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर की, तो इस मैदान पर दोस्तों काफी ज्यादा ड्यू आती है सेकंड इनिंग्स में, इसीलिए यहां पर कप्तान जो भी टॉस जीतता है वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करता है, और चेस करते हुए ड्यू में जो बल्लेबाजी के लिए कंडीशन है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस मैदान पर बड़े स्कोर भी आसानी से चेस हो जाते हैं, और आपको इस मुकाबले में भी ऐसा ही नजर आएगा कि जो कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। हालांकि दोस्तों, जो पिछला मुकाबला इस मैदान पर खेला गया था वहां पर टीम ने डिफेंड करते हुए मुकाबले को जीता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस मुकाबले में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी ही करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इस मैदान के कुछ ओवरऑल आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर बना है वो मुंबई इंडियंस की टीम ने बनाया था 212 रन 6 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। वहीं पर जो लोएस्ट स्कोर है वो भी मुंबई इंडियंस की टीम का ही है, उन्होंने बनाया था डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 115 ऑल आउट। वहीं पर जो हाईएस्ट स्कोर चेस हुआ है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने किया था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2022 में ही 211 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई के मैदान पर खेले गए रीसेंट आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड्स की। तो जो पिछले 6 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लें, तो जो हाईएस्ट स्कोर इन 6 मैचेस में बना है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बनाया था फर्स्ट इनिंग्स में 210 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट स्कोर है वो भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का ही है 126 ऑल आउट। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लें जो कि पिछले 6 आईपीएल मैचेस में देखने को मिला है, तो 150 से नीचे स्कोर एक बार भी नहीं बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में भी एक बार भी स्कोर देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा 170 से 189 के बीच 4 बार स्कोर बना है, जबकि 190 के ऊपर स्कोर भी आपको 3 बार देखने को मिल चुका है। तो आप इन स्कोरिंग पैटर्न से फेयर आइडिया ले सकते हो कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और इस मुकाबले में भी आपको एक अच्छा खासा फर्स्ट इनिंग्स का टोटल नजर आने वाला है। और यहां पर दोस्तों, जो स्कोर है वो ज्यादातर 170 से 190 के बीच में ही फर्स्ट इनिंग्स में बना है,
कभी कभी ये जो स्कोर है वो 190 के ऊपर भी गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुकाबले में जो टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी वो आपको 170 से 185 के बीच में बनाते हुए नजर आ सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि IPL 2022 के मैच नंबर 16 में ब्रिबॉन स्टेडियम मुंबई की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो IPL 2022 के जो 3 मैचेस अभी तक इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 25 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने चटकाए हैं जबकि 13 विकेट्स ही स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये जो स्टैट्स है वो आपको क्लियर कर देता है कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद मिल रही है और तेज गेंदबाजों ने इसीलिए ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं कंपेयर टू स्पिनर्स। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो इन 3 मैचेस में राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने 7 विकेट्स लिए हैं जबकि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनको 4 विकेट्स मिले हैं। तो आप देख सकते हो कि लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को इस पिच से थोड़ी हेल्प मिली है। वहीं पर जो पिछला मुकाबला इस पिच पर खेला गया था पीबी केस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में, वहां पर यह देखा गया था कि पीबी केस के जो स्पिनर्स थे लियाम लिविंगस्टन इसके अलावा राहुल चहर, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, काफी ज्यादा विकेट चटकाए थे सेकंड इनिंग्स में। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पिच है वो अब धीमे धीमे ड्राई हो रही है और वेयर एंड टेयर इस पे आ रहा है, इसलिए यहां पर स्पिनर्स को भी हेल्प मिलना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा हेल्प रहने वाली है और फास्ट बॉलर्स ही इस पिच पर ज्यादा विकेट चटकाएंगे, लेकिन दोस्तों स्पिनर्स के लिए भी हेल्प रहेगी। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को रखना है और दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। वहीं पर आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं जहां पर 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले पंजाब किंग्स टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो पंजाब किंग्स की टीम IPL 2022 में अभी तक 3 मुकाबले खेल चुकी है जहां पर उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं और 1 महीने हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दोस्तों पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स की टीम जीत कर आ रही है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इनकी प्लेइंग 11 में आपको ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे और बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि एक बदलाव श्योर शॉट है जो कि होने वाला है, वो ये है कि इनके स्टार ओवरसीज बैट्समैन जॉनी बेस्टो इस मुकाबले में अवेलेबल हो चुके हैं और वो इस मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए भी नजर आएंगे। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि वो ओडियन स्मिथ को रिप्लेस करेंगे और ऐसे में दोस्तों यहां पर एक इंडियन तेज गेंदबाज आपको खेलता हुआ नजर आएगा बॉलिंग यूनिट को बैलेंस करने के लिए। तो आपको पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कैप्टन मयंक अग्रवाल के साथ शिखर धवन, नंबर 3 पर आ सकते हैं भनुका राजापक्षा, नंबर 4 पर जॉनी बेस्टो, नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टन, नंबर 6 पर जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपर है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 7 पर केगीश्वर अबाडा, नंबर 8 पर संदीप शर्मा, नंबर 9 पर राहुल चहर, नंबर 10 पर वैभव अरोड़ा और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह आ सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम के लिए IPL में ड्रीम स्टार्ट अभी तक रही है जहां पर वो अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीत चुके हैं, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा उनकी टीम को है और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बॉलर्स ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है दोनों ही मैचेस में। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले से पहले जो इनके ओवरसीज फास्ट बॉलर हैं अजारी जोसफ, उन्होंने अपना क्वारंटीन खत्म कर लिया और टीम के साथ ज्वाइन भी कर लिया है और वो इस मुकाबले के लिए अवेलेबल भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि बॉलिंग यूनिट ने काफी अच्छा किया है। बैटिंग ऑर्डर में एक बदलाव हो सकता है क्योंकि विजय शंकर जिन्होंने अभी तक बल्ले से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं करी है, तो उनकी जगह पर रिद्धिमान सहा या फिर गुरकीरत सिंह मान में से कोई एक खेल सकता है। तो आपको जो गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल के साथ मैथ्यू वेट, नंबर 3 पर आ सकते हैं रिद्धिमान सहा या फिर विजय शंकर, नंबर 4 पर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या कैप्टन, नंबर 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर राहुल तिवतिया, नंबर 7 पर अभिनव मनोहर, नंबर 8 पर राशिद खान, नंबर 9 पर लॉकी फर्ग्यूसन, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर वरुण एरॉन खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से इस मुकाबले में नजर आ सकती है। फ्रेंड्स ये रहा IPL 2022 के मैच नंबर 16 के लिए ब्रिबॉन स्टेडियम मुंबई के पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और कौन सी टीम IPL 2022 का ये 16th मैच जीतने वाली है। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।